एवरीवन, मैं दुलारी पंचोली, आप सभी का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग सब लोग निकल चुके हैं, वहाँ हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं अभी। ये मैं उसकी हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं अभी, तो देखो कहाँ चलते हैं, या तो मंदिर के उधर जाएंगे, क्योंकि मेरे फ़ोटोज़ वगैरह कुछ हुए ही नहीं। तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा एक बार तो रेडी वगैरह हो के कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो ये ऑटो भी आ गए, सब चलते। तो गाइज़ अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर, और एक बार देखेंगे अगर दर्शन खुले हुए होंगे तो पहले करेंगे दर्शन। फर्स्ट गेट तो आ गया था पहले, ये सेकंड गेट, और अब हम जा रहे हैं थर्ड गेट पे। तो गाइज़ यहाँ पे है ना सारी चीज़ें शंख की मिलती है, जहाँ देखो वहाँ पे शंख, पीछे वो दुकान भी शंख की, मतलब ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे शंख की है, जो देखो वो शंख शंख। अब मंदिर नहीं आया अभी, थोड़ा और दूर है। तो गाइस ये आ चुका है मंदिर का थर्ड के, थोड़ा आगे से है, दिखाती हूँ मैं आपको। और ये भगवान का रथ है। तो गाइस यहाँ पे शिव के कैप देख रहे हैं, अच्छी नहीं लग रही है वाली, इधर वाली देखनी है उसकी ऐसी। अभी हो रही इस मंदिर में आरती, और अभी हम लोग जा रहे हैं समुद्र के किनारे। वो आ गया समुद्र अभी उधर। बड़ी बड़ी जा। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से शायद वहीं होटल ही जा रहे हैं, मतलब ये वाली होटल नहीं, वो जहाँ कथा होती है ना वो वाली होटल, क्योंकि और यहाँ पे हमने बहुत सारे फोटोज वगैरह वीडियो बनाई, बहुत फोटोज क्लिक की है। तो अब चलते हैं वहाँ पे, खाना खाना है। तो गाइस आज हमारी, बाप रे कुत्ता वो डरती है। 200 रुपया, 200 200। तो गाइस ये हो रही है। तो गाइज आज हम लोग है ना शॉपिंग के हिसाब से निकले, सब लोग शॉपिंग ही कर रहे हैं, इधर मम्मी और ये सब कर रहे हैं, उधर मौसी और वो सब कर रहे हैं। पापा देखो ना कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, ब्लू या फिर पिंक? मेरे को ब्लू लग रहा है, पीला नहीं। गाइज आज हमने इतनी सारी शॉपिंग की, और आज ही हम लोग है ना बैग लेके नहीं आए, तो ऐसे अलग अलग से लेके चलना पड़ रहा है हमारे को। ये देखो, ये इसमें एक श्रीव के कैप और ये सब लिया है, श्रीव के कैप और एक एक पॉलीथिन पापा के हाथ में, वो मैं दिखाती हूँ आगे। और गाइस एक ये भी पॉलीथिन, सब ने की है थोड़ी बहुत शॉपिंग आज। मौसा जी आपने क्या लिया, दिखाओ पॉलीथिन। हाँ मौसा जी आपने क्या लिया, पॉलीथिन? ये बैग भाभी के लिए, और इसके अंदर भी सामान है। ये लाइक शॉपिंग की है मौसा जी, मौसी मौसा जी ने। तो गाइस हमारे साथ एक गड़बड़ी हो गई है, मैं नानी और मम्मी और ये पल्लू मेरे सिस्टर इधर दिखा, हम लोग तो है ना चढ़ गए सिटी बस में, क्योंकि है ना मतलब हम लोगों का जाने की थी और सिटी बस आ गई, पर मौसी और बुआ पीछे शॉपिंग कर रहे थे तो वो पीछे रह गए। मौसा जी और पापा उनको बुलाने के लिए भी पीछे रह गए, मतलब बुलाने गए थे, जिससे बस निकल गए हम चारों इस बस पे। और यहाँ पे एक सिटी बस की एक खासियत है कि लेडीज़ फ्री होती है, तो हमारा चारों का टिकट तो फ्री है वैसे, पर वो लोग तो रह गए पीछे। अब वो लोग आएंगे ऑटो में और हम लोग जा रहे हैं, हमें वैसे होटल का नाम पता है पर वहाँ तक नहीं जाएगी, बस स्टैंड तक ही जाएगी, तो हम लोग बस स्टैंड उतर जाएंगे। ये हो गया, अब वो लोग आएंगे उसमें।
फोटो में। हाँ तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड पे, और वैसे तो यहाँ के ऐसा हर जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे को फर्स्ट डे तो ऐसे ही लगा था कि यहाँ के लोग कोऑपरेटिव नहीं है। वो बंद कर एक बार, कॉपीराइट आएगा, क्योंकि है ना यहाँ पे हम फर्स्ट डे आए थे ना, तो हमारे साथ मतलब कि होटल वाले ने इतना बुरा व्यवहार किया था ना, वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है ना, आपके साथ कुछ शेयर किया है, बाद में सब कुछ शेयर करूँगी मैं, और वो वीडियो भी अपलोड करूँगी मैं कि मतलब उसने उस होटल वाले ने किस तरह बिहेवियर किया। तो उस दिन तो यहाँ के लोगों से विश्वास ही उठ गया था कि ऐसे कैसे लोग हैं यहाँ के। पर ठीक है, अभी हम लोग बस में आए ना, तो हम चारों लेडीज ही थी, तो उस बस वाले ने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया हमारे को, जैसे हमें समझ नहीं आ रहा था तो उसने समझाया कि यहाँ से आगे नहीं जाएगी, लास्ट स्टॉप बस स्टैंड है, आप बस स्टैंड उतर जाना, बस स्टैंड से यहाँ से आपके होटल जाने का 5 मिनट का ही रास्ता है, तो ऐसा सब कुछ बता दिया। और अभी हम लोग आ गए बस स्टैंड, और वो लोग भी ऑटो करके आ रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे साथ में ऑटो में। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं कथा स्थल पर, और यहाँ पे है ना अखंड रामायण पाठ चल रहा है, और पीछे देखो चारों तरफ लोग ही लोग सब। तो गाइज यहाँ पे पापा और मौसा जी है ना हमारी गाड़ी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि है ना बताओ क्योंकि है ना हमें क्या कन्याकुमारी जाना है ना, वहाँ पे हम लोग घूमे नहीं, तो उसके लिए एक बार यहाँ से गाड़ी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रेट क्या है, और फिर एक बार मार्केट में करेंगे, फिर जो भी होगा फिर वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो गाइज मैंने तो खाना खा लिया, और बाकी ये सब खाना खा रहे हैं, और आज हमारा यहाँ पे लास्ट मतलब कि डिनर लास्ट है आज यहाँ का, क्योंकि कल तो हम चले जाएंगे यहाँ से। ये सब तो गाइस ये चल रही माइंड पार्ट, यहाँ पे मेरे मौसी मौसा जी फोटो क्लिक करवा रहे हैं, और मेरे मौसा जी को इतना शौक है फोटो क्लिक करवाने का, भयंकर।